हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वीट रेसिपी पोंगल। इसे सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर बनाया जाता है। कोई भी फेस्टिवल में हम इसे बना सकते हैं या फिर हम जब भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं तो ये रेसिपी बनाकर हम भोग लगा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिए हैं मूंग दाल बड़ा एक चम्मच, चना दाल एक चम्मच, ये है साबूदाना भी बड़ा एक चम्मच, और दो चम्मच चावल जो कि हम डेली खाते वही चावल है। सबसे पहले मूंग दाल को हम थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे, साथ में चना दाल को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू आता है जब इसे हम रोस्ट करते हैं। हल्का कलर चेंज करेंगे और जैसे ही खुशबू आएगा गैस को कर देंगे बंद। अब हम इसमें डालेंगे चावल, चावल को अच्छे से मिक्स करेंगे और डालेंगे साबूदाना, सभी एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये जो है ना गर्म है इसी में मैं पानी डाल रही हूँ और अच्छे से इसे वॉश करेंगे। दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमें इसे भिगा के रखना है। अगर आप इसको 10 मिनट के लिए भिगा के रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से भीग जाता है, उसके बाद हम इसे बॉयल करेंगे। तो पहले हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ये फ्रेश पानी है। इसमें मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ। जितना हम चावल और दाल लेंगे उसका डबल हमें इसमें पानी डालना होगा। तो इस तरीके से हम पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 4 विजल लगाना है लो फ्लेम में। अगर आप हाई फ्लेम में विजल लगाते तो 3 विजल लगा सकते हैं। ये है गुड़, क्यूब में गुड़ है ये, जो कि मैं इसे पहले थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और इसमें डाल रही हूँ चीनी, 2-3 चम्मच चीनी भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा गुड़ का। अब हम इसे मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। इस गुड़ में बहुत अच्छा कलर आता है। आप चीनी के साथ अगर ऐसे गुड़ मिक्स करेंगे तो कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम चावल को देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पोंगल का जो चावल है, दाल है, सारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है, यानी कि पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध यहाँ पर मैंने 200 ml लिया है और दूध को मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया। अब गैस को फिर से हम ऑन करेंगे और इसे सिम करके, यानी कि गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो में रख के हम इसे पकाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, जैसे खिचड़ी बनता है इतना नहीं गलाएंगे। मैं थोड़ा सा इसे साबुत ही रखूँगी, इससे क्या होता है ना खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पोंगल है तकरीबन बन चुका है, अच्छे से मैंने उबाल लिया है। अब गैस को कर देंगे बंद और गैस को बंद करने के बाद ही हम इसमें स्वीट डालेंगे, यानी कि गुड़ डालेंगे। अगर आप चीनी से बनाते हैं तो आप कभी भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन मैं जो गुड़ था ना इसे थोड़ा ज़्यादा ही पका लिया है तो ये थोड़ा सा थिक हो गया। इसे अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गुड़ को हमने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस पोंगल को डालने वाली हूँ कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में बहुत सारा गुड़ है, क्योंकि वो थोड़ा थिक हो गया था तो मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं कढ़ाई में ये पोंगल डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस को बिल्कुल भी अभी ऑन नहीं किया है, गैस बंद है। मैंने गैस में रखा हुआ है कढ़ाई को और इस तरीके से चलाती रहूँगी, कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, जो गुड़ है अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जैसे ये ठंडा होगा काफ़ी थिक हो जाएगा, इसीलिए हमें और पकाना नहीं है। इस तरीके से हमें थोड़ी देर मिक्स करना है, उसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे। तो ये जो पोंगल है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अगर आप इस पर साबूदाना चना दाल नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ मूंग दाल और चावल से बना सकते हैं, लेकिन चना दाल और साबूदाना डाल के इसे बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनता है। इसमें हम डाल देंगे घी और इलायची का पाउडर। इन सब को भी अच्छी तरीके से पोंगल के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अच्छा से मिक्स हो चुका है, अब हम एक तड़का लगाएंगे। तो मैंने 2 चम्मच घी लिया है एक तड़का पैन में। जैसे ही घी गर्म होता है इसमें डाल दिया है काजू, कटा हुआ काजू और किशमिश। अगर आप कुछ और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर डालें, जितना ड्राई फ्रूट डालेंगे उतना ही अच्छा बनता है। तो बस अब हम इसको डाल देंगे पोंगल में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो इसे हम कभी भी अगर प्रसाद में बनाना चाहते हैं तो बनाकर भोग लगा सकते हैं भगवान को। और इसे अगर आप कभी भी खाना भी चाहते हैं तो जब भी मन करे आप तुरंत बनाकर इसे खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है और ठंड के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे, उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी थिक हो चुका है हमारा जो पोंगल है, और थोड़ी देर होगा तो फिर और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसमें तड़का डाल रही हूँ, घी में थोड़ा सा काजू मैंने और फ्राई करके डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए पोंगल हमारा बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि ये कैसा बना है। कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।